लड़कियों का श्रृंगार पटार हमेशा होता है, आधी रात में भी होता है। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू सुनेहास ब्लॉग। तो यहाँ पे आप मौसम देख रहे हैं, सुबह सुबह कितना सुंदर मौसम है। सुबह में हल्की ठंड रहती है लेकिन फिर दोपहर होते होते जो है ना थोड़ी गर्माहट। मैंने जो है नींद पूरी कर ली है, मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। पानी गर्म हो रही है, एक केटल हो चुकी है, दूसरी केटल हो रही है। आज का ड्रेस कॉट्सवूल सूट, वुलन लेगिंग्स, दुपट्टा। तो अब मैं चली नींबू पानी पीने के लिए। अच्छा, आलू गोभी मटर की सब्जी एंड गर्मा गर्म रोटी। मेरा लंच ये होने वाला है, गर्मा गर्म टेस्टी वाले छोले जो मेरे हस्बैंड जी ने बनाया है। यम्मी। एक ऑरेंज ले लिया जाए। सुबह सुबह क्या हो रहा है तुम्हारा श्रृंगार पटार? लड़कियों का श्रृंगार पटार हमेशा होता है, आधी रात में भी होता है। ये जो है ना, ये आईब्रो में फील कर रही हूँ, इससे मैंने फील किया है शादी के टाइम जब मैंने देखा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस ये देता है, पता है तुम्हें। इसलिए मैं ये भूलती नहीं हूँ करने के लिए। तुम ही देखो मेरे आईब्रो कितने पतले और अभी कितने अच्छे मैनेजेबल, कितने अच्छे शेप में लग रहे हैं ना, यही होता है डिफरेंस। क्या क्या करते रहती है पता नहीं चलता। लड़के क्या जाने भाई, अभी मैं काजल लगाऊंगी, आईलाइनर लगाऊंगी, उसके बाद मैं चलो। जल्दी करो, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। दोनों आज फिर निकल चुके हैं। पता नहीं क्यों बहुत आज का मतलब लौटते टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना। यस बेबी, गर्मी का दिन आ रहा है ना। तुम्हें तो एकदम गर्मी से तो तुम एकदम बौखला जाते हो गर्मी में। गर्मी मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो जाती है सच में। गर्मी में ये नाम क्या बोलूं मैं, एंग्री यंग मैन बन जाते हैं। तो ठीक है गाइस, हम लोग को अभी चलना है, तो हम लोग मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हे गाइस, आप लोग को पता है कि अभी सरस्वती पूजा जो है वो एकदम सर पर है, मतलब वो आ चुकी है। तो क्या है ना कि इस बार आप लोग को पता है कि मैं जो कटिहार से यहाँ पे आई, तो ट्रॉली में अधिकतर जो है वो विंटर के ही कपड़े ने जगह ले लिया, तो मैं ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं लेके आ पाई थी पटना। तो क्या हो गया ना कि सरस्वती पूजा शादी के बाद की मेरी पहली सरस्वती पूजा है और मैं एक भी साड़ी यहाँ पे लेके नहीं आई थी। कैन यू बिलीव कि एक भी साड़ी मैं लेके नहीं आई थी। तो पापा मम्मी को मैंने बोला तो उन्होंने ये कुरियर कर दिया है, जो कुरियर आज आया है, आज ही मुझे रिसीव हुई है। और तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या मैंने मंगाया है, क्या क्या मेरे मम्मी पापा ने भेजा है। तो ये देखिए, पहले तो मैंने बोला कि उनको जूड़ा बनाने के लिए सरस्वती पूजा में थोड़ा स्टाइल मारना ज़रूरी है, तो ये जूड़ा बनाने के लिए ये बन है। तो सरस्वती पूजा का ब्लॉग तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा ही। तो ये बन है एक, और ये जूड़ा पिन है, मेरी शादी का ही है, मम्मी को यही मिला। और भी जूड़ा पिन था तो ये, लेकिन ड्रेसिंग टेबल मम्मी को ये दिखा तो मम्मी ने ये छोटे छोटे वाले शादी वाला मेरा भेज दिया। कोई बात नहीं, अच्छा है भाई, अच्छा है। और कितने अच्छे से पैकेजिंग में करके पापा ने भेजा है वो तो आप लोग को मैं अभी दिखा दूंगी। कि भाई क्या बोलूँ, उतना तो अमेजोन वाले भी नहीं भेज सकते हैं। और आज मैंने दो दो येलो चूड़ियाँ जो पहन ली है अपनी, ये ज़्यादा मैंने अभी इसलिए क्यों नहीं पहने, ठंड में ऐसे ऐसे होता है ना, ठंड लगता है। और ये लेगिंग्स है, इस ये वाली जो कुर्ती, इसकी जो ऊपर वाली कुर्ती है ना, क्या कि मैं जब कटिहार में पैकिंग कर रही थी यहाँ आने के लिए, तो मैंने हड़बड़ी में
इस कलर का मैं बस एक और कुर्ती था तो वो गलती से मैं वो ले आई और ये उस कुर्ती का ये लेगिंग्स वहीं पे रह गया। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि भाई भिजवा ही रही हो कपड़े तो ये वाला लेगिंग्स भी भिजवा देना, तो मम्मी ने ये लेगिंग्स भी भिजवा दिया है। और ये रेडीमेड ब्लाउज है जो मैंने लास्ट ईयर शादी के लिए, मतलब शादी के पहले, शादी के बाद पहनने के लिए मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। और ये मेरे रक्षाबंधन में मैंने ये सेम साड़ी और ये ब्लाउज पहना था। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं लगा दूंगी वीडियो के लास्ट में। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ब्लाउज लिया था और पहले मैं सोचती थी कि ब्लाउज जो है वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग में से किसी को चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ऑसम है, ऑसम। और ये साड़ी है येल्लो, येल्लो में बस बहुत सारी बहुत ज़्यादा साड़ी है मेरे पास येल्लो कलर में। तो यहाँ पे मुझे खुद से पहनना पड़ेगा, इसलिए मम्मी को मैंने बोला कि ज़्यादा हैवी नहीं भेजना, तो मम्मी ने ये वाली भेजी है जो कि मैं रक्षाबंधन में पहन चुकी हूँ, काफ़ी औसम लगती है। इसका वाला ब्लाउज मैंने मम्मी को मना कर दिया देने के लिए, ये वाला मैंने बोला। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि इसका जो ब्लाउज का बाजू है ना वो कोहनी तक है। और अभी अभी देखिए मैंने वैक्स भी नहीं कराया, डेट्स वाई मैंने बोला कि हाफ बाजू नहीं का ब्लाउज नहीं भेजने के लिए, क्योंकि इसका वाला जो ब्लाउज है वो हाफ बाजू का मैंने सिलाया, तो मैंने ये वाला बोला भेजने। तो ये साड़ी हो गई, इसमें साया भी है, पेटीकोट भी है अंदर में। और भी एक चीज़ है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर एक और चीज़ मैंने पापा को बोला था देने के लिए, रुकिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इतने अच्छे से पैकेजिंग कौन करता है भाई। ये रहा देखिए, कहाँ पे जाके था ये। मैं जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की बात कर रही थी, मैंने वैलेंटाइंस डे वाला जो व्लॉग बनाया था, मतलब व्लॉग क्या, गिफ्ट आइडियाज वाले, उसमें मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की बात की थी। तो ये वाला जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है ना, मैंने ऑलरेडी एक बार पहना है मैंने, उसका ही मैं व्लॉग जो हूँ डाल दूंगी इस वीडियो के लास्ट में। और ये मैंने मीशो से खरीदा था, मीशो में बहुत ही कम रेंज में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है। और ये दो जो है ये मीशो का नहीं है, ये मैंने ऐसे ही खरीदा था, साड़ी पीन है ये, साड़ी में टक करने के लिए। तो ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है जो मैं इसके साथ पहनूंगी सरस्वती पूजा में। बहुत ही सुंदर पीस है ये, बहुत सुंदर पीस है। और मीशो में लिंक नहीं चलता है, कोड चलता है। अगर आपको ये वाली चाहिए प्रोडक्ट तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं उसका कोड जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइज, गो फॉर इट। और मीशो की बात जहाँ तक हो रही है, तो उससे एक और प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था जो मुझे आज मिल चुकी है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वेट, ये देखिए एक और प्रोडक्ट ये भी आया है मीशो से। मीशो साइट की मैं फ़ैन हो गई हूँ। पहले मुझे लगता था कि भाई मीशो की सब इतनी तारीफ़ करते हैं, कैसा प्रोडक्ट आएगा इतने कम पैसे में, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है उससे, बस आपको ख़रीदने आना चाहिए। नहीं तो बहुत लोगों का ये रहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग अच्छा नहीं होता है ये वो, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। मीशो से मैंने ये मंगाया है, ये ब्लाउज रेडीमेड। और ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसे मैं जब वेयर करूँगी तो आप लोग को समझ में आएगी बहुत ही अच्छे से, देख सकते हैं आप। मैं पहन के भी आप लोग को दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले को भी एकदम फेल कर दिए है पैकेजिंग करने में, एकदम महान पैकेजिंग किया है उन्होंने। और ये फ्लिपकार्ट की पन्नी का भी उन्होंने यूज़ कर लिया था पैकेजिंग करने में, ये ऊपर में था और ये अंदर में था। और इसके अंदर मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, फिर भी मेरा प्रोडक्ट मेरे तक। आज एक और ऑर्डर मेरा आ चुका है, ये एक रिक्वेस्टेड चीज़ थी जो कि मैंने ऑर्डर किया, और मैं बहुत दिनों से सोच भी रही थी इस चीज़ को लेने के लिए। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने, एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने इस चीज़ के बारे में पूछा था, मतलब उन्होंने एग्जैक्टली इस चीज़ के बारे में नहीं पूछा था, पूछा था कि फेसियल हेयर को हटाने का कोई होममेड
तरीका बताना है। तो होममेड कोई तरीका नहीं होता है जो परमानेंटली तो नहीं हटता है, फिर भी कोई होममेड तरीका नहीं होता है। और बहुत कोई वीडियो में दिखाते हैं कि भाई होममेड तरीका, लेकिन वो टोटली रॉन्ग होता है। कोई होममेड तरीका नहीं होता है। एक ये तरीका है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। पहले इसे अनपैक कर लेते हैं। वाह, मीशो वाले ने एक हमें ये भी दिया, मास्क भी दिया है, और ये रही प्रोडक्ट। आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं इसके बारे में बात भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं। ये है फेसियल रेज़र। अब रेज़र आप लोग सोचेंगे कि लड़कों की तरह दाढ़ी बनाना है, तो नहीं, ये वैसा कुछ नहीं है। मैं इसे यूज़ करके भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं सरस्वती पूजा में यूज़ करूंगी जब मैं मेकअप करूंगी, अभी नहीं यूज़ करूंगी। अगर आप लोग को डिटेल में चाहिए कि हाउ टू यूज़ दिस रेज़र, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इससे जो है बहुत ही अच्छे से जो फेसियल हेयर है वो रिमूव हो जाते हैं। डरिए मत कि आपके हेयर मोटे आएंगे तो फास्ट आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो टोटली मिथ होता है, अंधविश्वास होता है, ये रॉन्ग होता है। इससे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होता है, बस इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो होप्स हो कि आपके जो भी कंफ्यूजन थे या जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। आप लोग भी ये परचेज़ कर लीजिए। मैंने इसे 94 रुपीज़ में ख़रीदा, 3 मुझे मिले हैं। और इसे कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ इट, तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नेक्स्ट या आने वाले कुछ वीडियो में से किसी में बता दूंगी। अब अगर आप लोग को देखना है तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा। आज के वीडियो में काफ़ी कुछ है जो आप लोग को कमेंट करना है, किस किस चीज़ का आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। और यही तरीका है फेसियल हेयर को रिमूव करने का, आप लोग पॉज करके इसे देख सकते हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।